जनपद संभल के चंदौसी में एससी ओबीसी अल्पसंख्यक संघर्ष समन्वय समिति और समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने उगेती में दुष्कर्म के बाद हत्या की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को भगत सिंह स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जिस तरह बदायूं जनपद के उगेती थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या कर दी गई और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को संभल की चंदौसी में एससी ओबीसी अल्पसंख्यक संघर्ष समन्वय समिति और समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने भगत सिंह स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विषय में सपा के नगर अध्यक्ष संजय मदान ने कहा कि बदायूं जनपद के उगेती थाना क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ हुई घटना की समाजवादी पार्टी निंदा करती है। ये जो योगी सरकार है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। और अभी आप 2-3 दिन पहले 3 तारीख को जो बदायूं में महिला के साथ अत्याचार हुआ है, इतनी बुरी स्थिति कर दी गई है, तो उसको लेकर के अभी आज ही मथुरा का ये कांड है और इधर पीछे हाथरस कांड था। लगातार कठुआ में भी उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। किसान इस समय देश का है, सड़कों पर पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं से भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार लगातार उसको अनदेखी कर रही है। लगभग 65 और 70 के बीच में किसान शहीद हो चुके हैं। उनके भी साथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में है, उनके सहयोग में है। और जो इस समय महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर विरोध में हैं। आपको ऐसा है कि जब से ये 2014 से मोदी की सरकार आई है और 2019 में जो है आपकी जो है 17 में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से जो है देश में और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लगातार बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार सब बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ गए हैं और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। अराजकता का माहौल है और ये जंगल राज है। ये जो दूसरों को कहते थे कभी जो है जंगल राज है, लेकिन आज इनके देश में पूरी जनता जान रही है कि किस तरीके का जंगल राज। अभी मथुरा में एक कांड हुआ है, 14 वर्ष की लड़की के साथ जो है दलित लड़की है उसके साथ बलात्कार हुआ है। उन्नाव में जो बलात्कार हुआ, कठुआ में जो है एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। और इनकी एक खासियत ये है कि ये सब लोग उन बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनके लिए जो है ये जो है अपना जो है संरक्षण देने का काम करते हैं और जो उन्हें माला पहनाते हैं जो है बलात्कारियों के लिए। हम इसका विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि देश में जो पूरे देश का किसान जो है सड़कों में पड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में है, उसमें 60-70 लोग जो है शहीद हो चुके हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनकी जो है जो किसान बिल काले जो कानून पास किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। और हम उनके समर्थन और उनकी लड़ाई के साथ हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। यदि जो है ये सरकार अपनी बेशर्मी में उतरी रही तो हमें जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही है, उन लोगों के विरोध में जो लोग इसमें लिप्त हैं उन लोगों को बड़ी से बड़ी सजाएं दी जाए, हमारी ये मेन मांगे हैं। किसान बिल जो जबरदस्ती उन्हें दिए जा रहे हैं, किसान बिलों को वापस किया जाए। इन सब के लिए, बढ़ती अराजकता के लिए, इन सब के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं।